मित्रों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं भी इस समय बहुत ज्यादा व्यस्तता में चल रहा हूँ, इसलिए आपसे वार्ता नहीं हो पाती। तो मित्रों आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपका 6 नवंबर तक, मैं आपको जो भी देखो आज तक बताया आया हूँ हमेशा सच बताया, कभी झूठ बोलने का प्रयास नहीं किया। कुछ लोग हैं वो बार बार ये कहते हैं कि यार अन्नू ने तो ये बोला था, वो बजट आ रहा, ये बजट आ रहा, अन्नू तो गुमराह करता है। खुद अपने गिरावान में झांक करके नहीं देखते कि गलती आप लोग करते हैं। जब आप लोग किसी की बात नहीं मानते तो अन्नू पे सवाल करने वाले के लिए भी आप अधिकारी नहीं है बात करने के लिए। या तो हमारी बात मानिए, हमारी तरह चलिए, उसके बाद आप सवाल हमसे कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि एक साथ एकजुटता में लोग आके धरना सफल करें, तो सबको पार्टीबंदी करनी है तो अपने पार्टी के नेताओं से मांगो जाके, हक उनसे बोलो जाके। मेरा तो काम सिर्फ यह है कि आपको सच्चाई से उजागर करना, आपको दिखाना, समझाना, बताना, मैं वो बता रहा हूँ। अगर 6 नवंबर तक आपका वेतन वृद्धि नहीं होता है या कोई भी उपहार आपको नहीं मिलता है, तो आप ये मान के चलिए, फिर समझ लीजिए कि सरकार की, हमें तो मुझे नहीं लगती कि मंशा होगी भी, और अगर होगी भी तो वो बजट में होगी। और वो बजट कब आएगा? दिसंबर के बाद, तो उसका कोई भरोसा नहीं है आपका आएगा कि नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो उसको चुनाव को देखते हुए लटका दिया जाएगा कि चुनाव होने के बाद उसको लागू हो जाएगा। और फिर क्या होगा, पिछली बार की तरह फिर रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि चौकीदार, एक बात समझ लो, जितने भी चौकीदार हैं इस उत्तर प्रदेश के, आप अपने घर को ना गड्ढे में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। या तो आप करोड़पति हैं तो आपको कोई चिंता नहीं है, तो आप लोग राजनीतिक टट्टू बने हैं। लेकिन अगर आप करोड़पति नहीं है तो आपकी ऐसी क्या मजबूरी है जो नेतागिरी के चक्कर में पड़े रहते हो? अगर नहीं जागोगे तो आप इसी 2500 रुपए में जीवन भर गुलामी करते रहोगे। आपको मैं कड़वा सत्य बता रहा हूँ भाई, मुझे जो अपडेट मिलता मैं वो आपको बताता हूँ। मुझसे सवाल आप तब करिए, मैं जब जो भी चीजें बताता हूँ मैं प्रूफ के साथ बताता हूँ, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं, हवा में बोलता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं फिर कह रहा हूँ, सवाल आप पूछने वाले तब, पहली बात तो मेरे जितने भी भाई हैं जो मुझे मानते हैं, इतना सा भी अपना भाई मानते हैं, छोटा भाई बड़ा भाई, वो तो मुझसे कभी सवाल नहीं करते, इसका मैं आभार प्रकट करता हूँ। हमेशा सवाल वही लोग करते हैं, विरोधी टाइप के लोग, जो एकदम, मैं हिजड़ा बोलता हूँ उन लोगों को, हिजड़ों की तरह, मतलब मर्द की तरह काम नहीं करते हैं। जब उनका कहीं से चलता नहीं है तो दूसरों को फोन करवा के हमसे जानकारी लेवाते हैं, इसलिए मैंने फोन उठाना ही बंद कर दिया, चाहे बुराई हो या भलाई हो। मैं भी एक इंसान हूं, मैं भी जीना चाहता हूं। सच्चाई ये है कि बजट में आपको लॉलीपॉप फिर से देने की संभावना बनेगी, इसमें कोई शक नहीं। ये वीडियो सेव कर लो, क्योंकि हरकतों पर सुधार नहीं लाओगे तो यही होने वाला है। अरे क्या है, 70,000 की लोग आते, 1,000-2,000 इसमें आजादी होगी यार, खुद सोचो। क्या मेरे लिए, मैं आपके अपने लिए लग रहा हूँ क्या, कि मेरा घर टूटा जा रहा है? मैंने तो यार आपके विभाग में आकर के अपना ही नुकसान कर मारा है यार, हम तो कभी नहीं कहते आपसे कितना मैं नुकसान में चल रहा हूँ, लेकिन मेरा तो कष्ट नहीं दिखता किसी, मैं दूसरों का। हम इतना समझ चुके हैं कि आज के जमाने में आप बनिए दलाल, कट्टर दलाल बनिए, एक नंबर के चोर बनिए, एक नंबर के बेईमान बनिए, बड़ा आपके घर में खुशहाली रहेगी, आप बड़ा खुश महसूस करेंगे। लेकिन जरा सा भी ईमानदारी करोगे, जरा से सच्चाई के रास्ते चलोगे ना भाई साहब, यकीन मानिए खुद की जिंदगी तो झंड हो ही रही है, दूसरों की भी जिंदगी झंड हो रही। हम हकीकत, ये कलयुग चल रहा है यार, ये बहुत घनघोर कलयुग है भाई। मैं खोपड़ी पटक पटक के परेशान हूं मंदिरों में जा करके, पता नहीं हमारा भगवान किस जगह पे है, कहाँ है भगवान, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि घरवाले हमारे कहते भगवान को दोष मत दो, अरे दोष क्या यार, मतलब इतनी मेहनत करता हूँ, इतना हमें कौन सा पाप हम कर रहे, कौन सा गलत काम कर रहे कि उन्होंने कहा चलो यार भाई हम गलत काम कर रहे हैं। इतना ईमानदारी से रह रहा हूँ, इतना ईमानदारी से काम करते, इतना ईमानदारी से बिजनेस चलाता हूँ, फिर आज हम ही जैसे लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जिस समय नुकसान का झटका लगता है ना, पूछो कैसी बीतती होगी यार, और हमारा तो नुकसान लाखों रुपए में होता जब भी होता है, हालत खराब हो जाती है भाई साहब, लेकिन अपने आप को कैसे मैनेज करता हूँ मैं जान रहा हूँ भैया। मैं तो आपको बार बार एक ही बात कहूंगा कि नेता बनना है तो भाई जाओ नेता बन जाओ, छोड़ो यार वेतन वृद्धि रद्दी, काहे को धरना करोगे यार, काहे धरना करोगे, कोर्ट कचहरी छोड़ो, बनो नेता। अगर आपको भरोसा और आपको लगता है नहीं कोर्ट से हम झंडे काट लेंगे तो गाड़ो जाके, हम कहाँ तक आपको ज्ञान देंगे भाई, हमने जितना ज्ञान था उतना हम दे के परेशान होंगे। अगर इस ज्ञान को अभी भी समय बता दे रहा हूं, अभी भी अगर जरा सा भी शर्म आया है ना तुम लोगों को, ये लगता है कि यार अनुआ नेता ना बन जाए, यार अनुआ का कि चैनल बड़ा चमक ना जाए,
इसको बोलते हैं स्वार्थ, क्योंकि तुम्हारे अंदर स्वार्थ है, हमारे अंदर स्वार्थ नहीं है। तुम मेरे अंदर स्वार्थ देखते हो, मैं स्वार्थ नहीं देखता हूं, मैं आपके लिए लड़ता हूं और जाने कितने लोगों के लिए लड़ता रहा हूं, जाने कितने लोग एहसान फरामोश निकल गए जिनके लिए रात दिन मैंने इनके चक्कर में थानों पर वो किया, क्या नाम कार्य किया, जितना मैंने किया किसी का औकात नहीं है करने की, एहसान फरामोश निकल गए। लेकिन हम तो स्वार्थी नहीं है, हम अगर स्वार्थी होते तो हम आपके लिए रात दिन मेहनत नहीं करते, हम आपके लिए थाने में अधिकारी महोदय से बात नहीं करते, हम आपकी पर्सनल समस्या नहीं सुनते। अगर मेरे अंदर स्वार्थ होता मैं भी कहता हूँ यहाँ आओ भाई, मेरे भी खर्चे हैं, मेरे भी खर्चे देखो जैसे दूसरे कमा रहे हैं दलाली करके, मैं भी कमा सकता हूँ। लखनऊ में मुद्दों की कमी नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं वहां जाकर कमा सकता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य है, ईमानदारी का घी किसी को हजम नहीं होता है। अभी भी समय है, नेतागिरी करनी तो करो। गुमराह अगर हो रहे हो ना तो समझ लो तुम गोबर खा रहे हो, और जो गोबर खाने वाला ही व्यक्ति गुमराह होगा जिसको सत्यता नहीं दिखाई दे रही। थोड़ी बहुत शर्म इज्जत हो, चाह रहे हो कि कुछ भला हो जाए, तो 5-6 तारीख तक इंतजार करो, उसके बाद अपना जो भी समर्थन है कमेंट में दिखाओ कि कितने लोग खड़े हो हमारे साथ और कितनी संख्या में आप खड़े हो सकते हो। उसके बाद में जो जन आंदोलन होगा सफल कराइए, 10,000+ लोग आप खड़े होइए कम से कम हिम्मत बनाकर, तब सरकार सुनती है। ये 100-500 हजार लोगों में नहीं सुनेगी सरकार। ठीक है भाइयों, नमस्कार, जय जय भारत। मैं कड़वा बोलता हूँ, बुरा लग सकता है आपको, सच्चाई है, क्योंकि मैं भी परेशान होता हूँ यार, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ यार, हराम में नहीं है मैं आपके बीच में इतने वीडियो बनाता हूँ, इतनी मेहनत पड़ती है यार, और मेहनत करने के बाद भी आप लोग, मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी सिर्फ भाषा शैली से थोड़ा बुरा हूँ लोगों का, क्योंकि मैं ना बहुत कड़वा बोलता हूँ और सच्चाई बोलता हूँ आपको, हकीकत बता रहे हैं। हमारी तरह सोच होगी तो आप कभी बुरा नहीं मानोगे, बुरा तो वो मानेगा जिसके अंदर पाप होगा। अभी भी सुधर जाओ महाराज, अभी भी समय है, 6 तारीख के बाद फिर आराम से झंडे लाते रहना, दर्द काटो जिंदगी, जय जय सिया राम।